सुख भरी नींद सोई प्रथा। सरदार भाग नहीं है, ये तो वही छोकरा है। ये जंगल हमारा है और मैं यहां का राजा। इस बार तो रास्ता काटा, दोबारा आए तो गर्दन काट दूंगा। यदि आप हमारा सर काटना ही चाहते हैं तो फिर कम से कम हमारे सर को उस बाघ के लिए प्रलोभन बनाकर उसे मारे। ए छोरे, नहीं चाहिए तेरी सहायता, ना जीते जी और ना तेरे मरने के बाद। अच्छा, पर इतने दिन से क्या हुआ था? पकड़ क्यों नहीं पाए उस नरबक्षी बाघ को आप? क्यों तब से हर रात उस बाघ के शिकार के लिए जंगल में भटकते रहते हैं आप सब? कैसे सरदार हो आप? बाघ के निकट जाने से डर लगता है क्या? खोल दे इसको। तलवार दे इसको। लगता है अब जाकर हम एक दूसरे को भली भांति जान पा रहे हैं। विश्वास करो कि जंगल में जो आपका राज है उसे चुनौती देने की हमारी कोई रुचि नहीं है, परंतु ये समय की मांग है कि फिर से वो नरबक्षी बाघ किसी भोले भाले नागरिक को अपना शिकार बनाए। उससे पहले हम सबको मिलकर उसका शिकार कर देना चाहिए। ए छोरे, बाघ का शिकार करने के लिए हमें बच्चे की सहायता की जरूरत नहीं। भले ही बार बार हमें बच्चा कहते रहो, परंतु लड़ आप
इस बच्चे से ही रहे और अपना पूरा सामर्थ्य लगाने के बाद भी इस बच्चे को अब तक हरा नहीं पाया। नरभक्षी बाघ फिर उठा के लेगा किसी को। क्या बहुत भाग्यशाली निकली ये औरत। हाँ हाँ, इसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाएगा। कम से कम शव के सामने तो ऐसी बातें ना करे काका। बात ना करने से क्या होगा बाबूजी राजप्रताप? बाघ की दाढ़ में जो एक बार आदमी का खून लग जाए तो वो तो मारेगा ही। उस बाघ का ये शिकार अंतिम शिकार रहेगा काका, क्योंकि हमसे उसके शिकार में हर बार भूल नहीं होने वाली। हम मिलकर सरलता से उस नरभक्षी बाघ का शिकार कर सकते हैं। हमें अपनी और अपने जंगलों की रक्षा के लिए नहीं चाहिए कोई बाहरी लोग। मेरे लिए मेरी ये बकरी सब कुछ है बाऊजी राज, पर आज इसे मैं आपको दे रही हूँ। इसे बांध के मार दीजिए उस नरभक्षी बाघ को। बिल क्या बोलते हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए बाऊजी राज, आप हमारे युवराज हैं। ये लीजिए, लीजिए इस बकरी को। बाऊजी राज प्रताप की जय। 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 प्रताप उठ गए? प्रताप आपके नित्यकर्म का समय हो गया है। अरे नहीं नहीं, मर गया तू, आज मर गया चक्रपाणि, अब तू पकड़ा गया। हे भगवान, हे प्रभु जी, अरे बाऊजी प्रताप कहाँ रह गए? प्रताप उठ जाइए। अब तक सो रहे हैं प्रताप? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? कुछ नहीं रानी माँ, हम ठीक है। ये क्या आपके हाथ में खरोंच? कल तक तो नहीं थी वो रानी माँ। हम वो इस बकरी से आई नहीं है खरोंच महारानी सा। बकरी ये यहाँ क्या कर रही है? आ, वो रानी माँ, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं प्रताप। आशा ही करते हैं कि आप हमें बिना बताए भागे नहीं होंगे इस कक्ष से। बाहर कक्ष के बाहर ये संभव ही नहीं हो सकते महाराणी सा, क्योंकि आपने द्वार पे ताला लगा दिया था, तो फिर बाजीराज बाहर कैसे जाएंगे?
रानी माँ, क्या अब हम अपने प्रातःकालीन नित्यकर्मा और वंदना के लिए तालाब जा सकते हैं? किंतु स्मरण रहे, आपको नित्यकर्म करने में कितना समय लगता है इसका अनुमान है हमें। यदि अधिक समय लगे तो हम स्वयं वहां आ जाएंगे। हम अधिक समय लगाएंगे नहीं रानी माँ। बावजीराज, बाघ मर गया? नहीं, परंतु आज अवश्य मरेगा। हमें क्या बच्चा समझ लिया है बावजीराज? रानी सबको बाहर जाने भी देगी क्या? हम आज रात बाहर जाने की आज्ञा रानी माँ से लेंगे ही नहीं। बावजीराज, हमने किसी को भी आप जैसे अपने माँ का आज्ञाकारी नहीं देखा, जो अपनी रानी साहब की हर बात मानता है। महारानी साहब ने बोला कि आप महल और किला छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिया, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, फिर वही आप इस बाघ के शिकार में कैसे अपनी रानी माँ की अवज्ञा कर रहे हैं? वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। वो इसीलिए क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो तलहटी की कितनी माओं को अपने बच्चों को खोना पड़ेगा, न जाने कितने बच्चों को अपनी माँ है। हमारी रानी माँ ने ही हमें शिक्षा दी है कि जीवन में कभी भी कर्तव्य निभाने का समय आए तो सभी औपचारिक नियमों को भुला कर एकनिष्ठ उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। और ये बकरी, इसको बाघ का चारा बना देगी ना? नहीं, उस नरभक्षी बाघ को आकर्षित करने के लिए शिकार तो बांधना ही पड़ेगा, किंतु इस बार ये बकरी उसका शिकार नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये बकरी उस बूढ़ी माँ का मात्र एक सहारा है और दूसरा वो बाघ कब से नरभक्षी हो चुका है। जब तक उसके सामने कोई मानव नहीं देंगे तब तक वे आकर्षित क्यों होगा? तो फिर हम मानव कहाँ से लाएंगे? हम है ना मानव, हम बनेंगे उस नरभक्षी बाघ को लुभाने का शिकार। नहीं नहीं बावजीराज, आप ऐसे नहीं कर सकते। घबराइए मत शेखर पानी, हम अपने प्राण देने के लिए उसका शिकार नहीं बन रहे, हम उसका शिकार इसीलिए बन रहे हैं ताकि वे हमारे सामने आ जाए। ठहरिए, हम कुछ समझे नहीं। यदि आप बाघ के लिए चुग्गा बन के गाय और मेमनों की तरह पेड़ से बन गए तो फिर बाघ का शिकार कौन करेगा? भील करेंगे शिकार। बावजीराज, वे जितने बाघ के रक्त के लिए पैसे नहीं होंगे उससे अधिक आपके रक्त के लिए पैसे होंगे। हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है चक्रपाणि, हमें भीलों को ये समझाना ही पड़ेगा कि हम सब एक होकर ही शत्रु का नाश कर सकते हैं। हम जानते हैं चक्रपाणि, ये वनवासी भील हमें शत्रु समझते हैं, परंतु हमें उन लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि सुनो भील बंधु, कभी कभी अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने शत्रु से हाथ मिलाने में कोई हानि नहीं होती बल्कि लाभ होता है। और यदि भीलों ने आपकी बात ना मानी तो? तो फिर हम वही करेंगे जिसके लिए राजपूत प्रसिद्ध है, हम अकेले जंगल जाएंगे। जब राजपूत अपने शत्रु का नाश करने का निश्चय कर लेता है तो फिर वे हर मूल्य पर वही करता है जो भी है। परंतु इतना तो निश्चित है चक्रपाणि कि आज रात हम दोनों में से एक ही जीवित है, या तो हम या फिर वो नरभक्षी था। हम आपकी परंपरा समझ सकते हैं कि कभी भी कबीले के भारी वाले व्यक्ति को वहां पर मत लेकर जाओ जहां पर भील कबीला रहता है, पर यह भी संभव है कि वहां तक पहुंचने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। यदि आप हमारे आंख और हाथ खोल देंगे तो फिर हम शीघ्रता से वहां पर पहुंच सकते हैं, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इससे आपके कबीले की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारी आंखों की पट्टी खोल दीजिए ना काका। ठीक है, तो फिर हम आपके सरदार से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार हमें लाने के लिए कोई ऐसे वीर भेजे जो बोल सकते हैं।
अगला अवसर नहीं मिलेगा तुम्हें लड़के, इसे बंधन मुक्त कर दो। भाग्यशाली हो तुम कि हमारे जंगल के बीचों बीच खड़े हो और वो भी अभी तक जीवित। बोलो क्या चाहते हो? हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हम सभी मिलकर उस बाघ को मारने का प्रयास करें। बस एक बार वो नरबक्षी बाघ को मारने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, फिर हम कभी अवांछित रूप से आपके क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करेंगे। हम तुम जैसे राजसी लोगों को भली भांति जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है, मीठी मीठी बातें करके तुम किसी को भी दबा सकते हो? सत्य आप भी जानते हैं, यदि हमें आप लोगों को अपना प्रभुत्व दिखाना होता तो फिर हम अपने प्राण संकट में डालकर यूं आप लोगों के सामने साधारण बंदी बनकर क्यों आते? हम अफगान और मुगल जैसे आक्रमणकारी नहीं हैं, हम राजपूत हैं। राजपूत आज तक हमारे परिवार ने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का निरंकुश शासक या सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बिंदु नहीं समझा। हमने सदा स्वयं को मेवाड़ का रक्षक समझा, बल्कि असली शासक तो एकलिंग जी है मेवाड़। और ये सारी बातें हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे, हमने पीढ़ियों से इस मूल्य पर विश्वास किया है। एक आदर्श राजा वही होता है जो अपने प्रजा के हित को सर्वोपरि मानता है। और निश्चित रूप से आप भी अपने कबीले के साथ यही करते हो। इस समय यहाँ के साधारण जन के सामने संकट नरभक्षी बाघ का है, ना कि मेवाड़ के राज परिवार का। हमें इसी समय उस नरबक्षी बाघ का शिकार करने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि हम इस कार्य के लिए जितना समय लगाएंगे उतना वो बाघ अपने शिकार बढ़ाते जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें कृपया करके हमें अपना निर्णय बताएं। इसको देखकर इसके परदादा बप्पा रावत की याद आ रही है, सारे के सारे वही गुण दिख रहे हैं इस बच्चे में। ये सच है, अगर बाघ को पकड़ने में हम तुम्हारी सहायता करें तो बाघ को पकड़ कर मारना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस जंगल को हमसे भली भांति और कोई नहीं जानता। तो फिर इसका अर्थ हम ये समझे कि आप हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ी महलों में रहने वाले राजसी लोगों में और पीढ़ियों से इस जंगल में जान हथेली पर लेकर चलने वाले भीलों में कभी मेल नहीं हो सकता। तो यदि आपका ये अंतिम निर्णय है, कोई बात नहीं, हम स्वयं अकेले जाएंगे जंगल उस बाघ का शिकार कर। जो जागा है खाती जो कुछ ना सके, देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार, जो शत्रु मरे मरे जीवन समर्पण है देश को दे चला, चेतन सवारी है अशोक की जो we'll be right back.
क्या सोच रहा है ये लड़का कि बाग सब कुछ छोड़कर इसके स्वागत के लिए इसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। भाई मेवाड़ के युवराज हैं, इतना मान तो बाग को भी देना पड़ेगा। पागल हो गया क्या ये लड़का? इसे नहीं मालूम कि बाघ मनुष्य का रक्त कोसों दूर से सूंघकर भागा चला आएगा। यही तो प्रताप चाहते थे ना कि बाघ आए और वे इसका शिकार करें। ये तोहफे रियासत पंजाब से। ये तोहफे रियासत सिंध से। ये तोहफे रियासत दक्कन से। अम्मी, हमें लगता है कि अब्बा हुजूर ने हमारे लिए जो ख्वाब देखा था, सारे हिंदुस्तान का शहंशाह बनने का, उस ख्वाब को हकीकत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अम्मी देखिए, कितनी रियासतों ने हमारे फरमान के मजमून को समझा है, उसका एहतराम किया है और हमारी अजमत को तस्लीम किया है। ये सब तो ठीक है जनाब, मगर हमने आपके लिए राजपुताने की रियासत से कोई खास तोहफा नहीं देखा है अभी तक। इसकी वजूहत तो जब खान बाबा आएंगे वही बता पाएंगे। जलाल लाल, जलाल लाल। लगता है राजपुताने की किसी रियासत ने बहराम खान को परेशान किया है। जलाल लाल। जलाल लाल। हमारा खून खौल रहा है जलाल, खून खौल रहा है। हमें मेवाड़ के खिलाफ मुकम्मल जंग का ऐलान करके जंग की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इसी वक्त जिले सुभानी, आप हमें हुक्म फरमाएं, हुक्म फरमाएं ताकि हम फौज की तैयारियों में जुट जाएं। क्या हुआ खान बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अपने गुस्से और परेशानी की वजह तो बताइए तफसील से। किसने आपकी तौहीन कर दी? एक मामूली सा बच्चा, एक बच्चा जो दौड़ का वाकया है। चला उदय सिंह के दरबार से निकले थे, किसी ने हमें पत्थर फेंका। जलाल, अगर राजपुताने में रियासत मेवाड़ का एक मामूली लड़का सल्तनत मुगलिया के दोस्ती के पैगाम को लेकर चलने वाले बहराम खान को चुनौती देने की जुर्रत करता है, ये तौहीन बहराम खान की तौहीन नहीं है फकत, ये पूरे मुगलिया सल्तनत की तौहीन है। एक बार इसे बर्दाश्त कर लिया तो फिर कभी सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे जलाल। आइए खान बाबा, लंबे सफर ने आपको थका दिया है,
चले हमारे साथ दस्तरखान पर बैठते हैं, दो चार मेवाले हलक से नीचे उतारते हैं, पहले गिजा से पेट की भूख मिटाते हैं। इस वक्त हमें एक ही भूख है जलाल, पतले की भूख। हमें पता है खान बाबा, आपकी तौहीन हमारी तौहीन। आइए हमारे साथ चलिए। बेवकूफ लड़के, अब जो कोई भी जलाल के खान बाबा की तौहीन करने की आपको और आपकी रियासत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका आपको बहुत जल्द इल्म हो जाएगा। चलो सरदार, चल के इस बच्चे को बचा लेते हैं, ये तो बाघ इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। बाघ से तो ये फिर भी बच जाएगा, मुझसे कौन बचाएगा इसे? और तुम इतनी गर्मी मत खाओ, चुपचाप तमाशा देखो। सुनो, खानसामे को तलब किया जाए। ये क्या बनाया है तुमने? बकरे की एक पूरी राल, ना इसे ढंग से खा पा रहे हैं, ना इसका लुत्फ उठा पा रहे हैं। कैसे खाया जाए इसे, बताओ। गलती खानसामे की नहीं है खान बाबा, हमने ही उसे कहा था कि पूरी की पूरी तंदूरी रान बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तो समझा था कि आप हमारी हिम्मत अफजाई के लिए अपने साथ अपने दस्तरखान में शामिल कर रहे हैं हमें। बिल्कुल, यही तो हमारा मकसद था साथ बैठकर खाने का। हम आपको कुछ दिखाते हैं खान बाबा, इसे देखिए। हमें भी पूरी की पूरी तंदूरी रान पेश की गई, हमारे लिए भी इसे खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब देखिए हम क्या करते हैं। देखा खान बाबा, हमने पूरे इत्मीनान से पहला निवाला लिया। हमें लगता है कि राजपुताना भी इसी तंदूरी रान की मानंद है। साबुत खाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे, मगर इसे खाने से पहले इसे काट काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तो इसे बड़े इत्मीनान से पूरे जायके के साथ खा सकें। राजपुताना पर वार करने से पहले हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े छोटी छोटी रियासतों में करने पड़ेंगे। आराम आराम, एक एक रियासत, एक एक निवाला, और मेवाड़ वो बोटी जिसे हम आखिर में बड़े प्यार से चबा चबा कर खाएंगे।
वैसे खान बाबा मैं यकीन नहीं होता कि वो एक आम लड़का था। क्या वो सच में चित्तौड़ का कोई मामूली लड़का था? बड़ी आसानी से पेड़ पर चढ़ जाएगा। हमें तो लगा था कि आप हमें मार रहे हैं, परंतु आपने तो हमारे प्राण बचाए। हम इसके लिए आपका हृदय से आभार मानते हैं। नरबक्षी बाघ का शिकार की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नरबक्षी बाघ कभी अकेले नहीं चलता, हमेशा जोड़े में चलता है। एक सामने से हमला करता तो दूसरा पीछे से। हम आपके इस बहुमूल्य सीख को सदा याद रखेंगे। हम आपके तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। ना तो हमने मेवाड़ के युवराज को प्रसन्न करने के लिए इसे मारा है और ना ही हमें मैत्री चाहिए। Thank you.
हुआ चक्रपाणि? आप यहाँ कैसे? आपको तो इस समय हमारे कक्ष में हमारे स्थान पर होना चाहिए था। कहीं रानी माँ को ये पता चल गया कि हम बाहर हैं, तब हमें भी तब की चिंता हो रही थी बाबूजीराज। और हम अपनी उत्सुकता कब तक दबाए? बताइए आपको अभियान का चेहरा और ये रथ, ये सब क्या है बाबूजीराज? हमने उस नरभक्षी बाघ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने ही शरीर का रथ अपने ऊपर लगाया। चक्रपाणि, हमने उस नरभक्षी बाघ को मार दिया। क्या आपने सचमुच नरभक्षी बाघ को मार दिया? आपको कल्पना भी है इस बात की कि जैसे ये समाचार गांव में फैल जाएगा, आप गांव वालों के लिए कितने बड़े महानायक बन जाओगे। फिर महाराणी को सब कुछ पता चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे बाबूजीराज? इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो, हम स्वयं रानी माँ को बता देंगे। चक्रपाणि, एक मन की बात कहे आपसे। बोलिए। पता है, जीवन में पहला बाघ मारने का समाचार हम सबसे पहले किसे देना चाहते थे? किसे? हमारे दाजी राजकुमार। वचन से हमारी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो अविलंब हुए प्रताप को मेवाड़ का भावी राजा बनाने का उत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाए। हे मेरे गिरधर गोपाल, राणा जी का ध्यान रखिए। हाँ हाँ, ढूंढिए ढूंढिए, रानी माँ तो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है। पकड़ के बताइए उन्हें। हम अभी पकड़ते हैं आपकी रानी माँ को। कुंवर प्रताप, अरे रानी माँ बचिए बचिए। रावत जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाहर कैसे गए?